हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर एंड नेक्स्ट एक्शन। ओके, एंड गाइस, मैंने अपना नया चैनल स्टार्ट करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ पे रीडिंग्स जो है वो मैं इंग्लिश में करने वाली हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखने में, तो डेफिनेटली आप वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एंड ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और सभी साइंस के लिए है। चलिए देखते हैं क्या है इस पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए। हाई प्रीस्टेस, 10 of Wands, द मून, द वर्ल्ड, 2 of Swords, 7 of Cups। ओके गाइज, यहाँ पे साइंस आए हैं पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड देन वी हैव जेमिनी, लिब्रा, अक्वेरियस। ओके ओके गाइज, तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में ये जो पार्टनर है ना, ये अभी आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। या तो ये बिल्कुल ही आपसे बात कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। और अगर कर रहे हैं तो भी अपनी फीलिंग्स खुल के आपसे नहीं शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास द मून का भी कार्ड आया है और हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड आया है। ये पार्टनर डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी भी दिख रही है मुझे। थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ तीसरा इंसान नहीं होता है, थर्ड पार्टी मीन्स उनकी फैमिली हो जाए, उनका वर्क हो जाए, कुछ उनके फ्रेंड्स हो जाए, कुछ भी, ठीक है, कि वो कहीं और बिजी हैं आपको छोड़ के, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली ये पार्टनर खुल के अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहे हैं। एंड ये पार्टनर ना बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, ठीक है। ये पार्टनर जैसे कि बहुत टायर्ड हो चुके हैं हर चीज़ से, अपने आप को समझाते समझाते, लड़ाइयाँ आपसे करते करते, लड़ाइयाँ हो रही हैं अगर, तो ये पार्टनर ना बहुत टायर्ड हो चुके हैं, ठीक है। और आपके बीच में एक साइकिल चल रही है, एक नेगेटिव साइकिल चल रही है जो कि बस ख़त्म होने ही वाली है, ठीक है। एंड ये पार्टनर ना बहुत कन्फ्यूज है, मतलब कन्फ्यूज इन द सेंस कि या आपको कॉल करे ना करे, मैसेज करे ना करे, आपसे बात करें या ना करें, ठीक है। इस तरह से इनके दिमाग में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं। और इस पार्टनर के सामने बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें और हैं, जैसे कि इसका ऑफिस हो सकता है, वर्क हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कुछ मतलब और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये पार्टनर मल्टीपल चीज़ों में अभी फंसे हुए हैं, उस वजह से भी ये पार्टनर जो है ना आपको इस टाइम इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। इनके ऊपर मल्टीपल जिम्मेदारियाँ हैं, ऐसा हो सकता है। ओके, एंड ये पार्टनर डेफिनेटली बहुत सीक्रेटिव है, ठीक है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आप जो हो ना काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, तो आप प्रेयर कर रहे हो ना उस वजह से ही थोड़ा सा चेंज आ रहा है इस पार्टनर में। द वर्ल्ड कार्ड आया, तो ये पार्टनर सोच रहे हैं कि अब ये नेगेटिव साइकिल ख़त्म करके आपसे बात करी जाए। ओके, बट एनी वे हम और देखते हैं क्या चल रहा है, क्या है और इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त। कमिटमेंट, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, देख लो, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है, डिवाइन फेमिनिन। वाओ गाइस, ये देख रहे हो आप अपनी एकदम पॉजिटिव एनर्जी में हो, लेकिन ये पार्टनर एकदम लो एनर्जी में, तो फिर ये इसलिए आपके पास नहीं आ रहे। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन मतलब ईगो दिखा रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, स्टबर्न हो रहे हैं, और मतलब बिल्कुल ढंग से बात नहीं कर रहे, इमोशंस की वैल्यू नहीं कर रहे, आपसे दूर भाग रहे हैं, और आप इनको चेस कर रहे हो, चेस कर रहे थे, ठीक है, अब नहीं कर रहे हो। कर रहे होते तो आपके लिए कार्ड आता डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, बट आपके लिए कार्ड आया है डिवाइन फेमिनिन। आप अपनी वर्थ समझ रहे हो, आप इसको नहीं चेस कर रहे हो, आपने सोच लिया कि हाँ जब बात करनी हो कर लेंगे, आना होगा आ जाएंगे, मुझे इस पार्टनर को चेस नहीं करना, मुझे अपने आप पर ध्यान देना है। बिकॉज जितना मैं अपने आप पर ध्यान दूंगा या दूंगी, उतना ही जल्दी ये पार्टनर मेरे पास आएगा। तो आप अपनी इस एनर्जी में हो, ये पार्टनर अपनी लो एनर्जी में है, लेकिन आप अपनी पॉजिटिविटी भेज रहे हो ना इस पार्टनर को, दैट्स व्हाई पार्टनर सच में आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। इस पार्टनर की ट्रू फीलिंग यही है, आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ। बात नहीं कर रहे हो तो बात कर लो, बात कर रहे हो तो लो एक हायर लेवल पर आपका रिलेशनशिप जाए। बट अभी ये आपको मानते भी हैं डिवाइन फेमिनिन, और ये देख भी रहे हैं कि आपने इनको चेज़ करना बंद कर दिया, दैट्स वाई अब इनमें धीरे धीरे चेंज आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इस पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए।
next action of your partner for you. Okay, we have wisdom. Stand your ground. Stand लेंगे guys ये. Movement choices, decisions. Rejoice in celebration. Wow, we have Ace of Cups and we have the Power. Okay guys, definitely ये partner आपके लिए stand लेंगे. ठीक है, अगर ये stand नहीं ले रहे हैं, डर रहे हैं, distorted masculine बने हुए हैं ना, तो ये आपके लिए stand लेंगे. Ace of Cups. लव बिगिन्स, आपके बीच में ये प्यार फिर से बिगिन होगा. आपके बीच का जो प्यार जो खो गया है ना, अगर ये पार्टनर ने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर रखा है, तो डेफिनेटली अपना हार्ट चक्रा ओपन करेंगे और इक्वल गिव एंड टेक वाला आपको लव देंगे, आपको लव फील करवाएंगे कि हाँ ये भी आपसे लव करते हैं. ठीक है, देन वी हैव मूवमेंट चॉइसेस डिसीजंस. तो डेफिनेटली इस पार्टनर को चॉइस लेनी ही पड़ेगी, ये चॉइस लेंगे और ये आपके पास आएंगे. ओके, एंड देन वी हैव विजडम कार्ड. तो अब इस पार्टनर में इनफ नॉलेज आ चुकी है, ये समझ चुके हैं चीज़ों को. ठीक है, और ये कार्ड मैरिज का भी होता है, तो मे बी ये पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दें फॉर मैरिज जो आप चाह रहे हो, या अपनी फैमिली से मिलवा दें, उनसे बात करवा दें. ठीक है, देन वी हैव रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, थ्री ऑफ कप्स. तो अब सेलिब्रेशन का टाइम है आगे. ठीक है, जो भी नेगेटिव साइकिल थी वो ख़त्म हो रही है और अब आगे टाइम है सेलिब्रेशन का, सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ. एंड वी हैव पावर स्ट्रेंथ. तो अब ये डरपोक नहीं रहे, ठीक है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन नहीं रहे, अब इनमें एनर्जी आए, इनमें पावर है, इनमें उतना है कि हाँ ये स्टैंड लेंगे आपके लिए, ये आएंगे आपके पास और बिना झिझक के अपनी बातें आपसे कहेंगे. ठीक है, और आपके साथ ये न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं ये. तो यहाँ पे ओके, कुछ लोगों के लिए लाइक वन डे, कुछ लोगों के लिए वन वीक, कुछ लोगों के लिए वन मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है, चलिए यूनिवर्स से देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है फॉर योर रिलेशनशिप. गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स, टर्न ऑन योर लव लाइट. तो जो अगर आपको अगर आपको गुस्सा आ रहा है इस पार्टनर पे कि ये आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है, तो टर्न ऑन योर लव लाइट बिकॉज ये पार्टनर आपसे प्यार करते हैं. देन वी आर बी ट्रू टू योर सेल्फ. तो अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप से ट्रू रहो. ठीक है, और आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, दैट्स वाई ये पार्टनर में इतना चेंज आ रहा है. एंड देन वी हैव प्रिपेयर टू बी एस्टाउंडेड. तो प्रिपेयर हो जाइए सरप्राइज़ के लिए, मे बी पार्टनर सरप्राइजिंगली आपके पास आ जाए, आपको कॉल कर लें, आपको मैसेज कर लें. ठीक है, सरप्राइज़ दें आपको, ऐसा भी हो सकता है. और देख लेते हैं यहाँ से, यू विल बी शोन द वे. तो आपको रास्ता दिखेगा, डिवाइन आपको रास्ता दिखाएंगे कि आगे कैसे बढ़ना है आपको. यू विल रिसीव अ गिफ्ट. तो मे बी ये पार्टनर आपको गिफ्ट दे सकते हैं आपको मनाने के लिए, या जब आपसे मिलने आए. फैमिली विशेज कम ट्रू. तो कोई विशेज़ हैं आपकी, आपकी फैमिली की, वो ट्रू होने का टाइम आ गया है. देन वी हैव हार्ट टेक ओवर वॉट यू नो लॉन्गर हैव. तो आप में से काफ़ी लोग रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, हार्ट टेक हो रहा है आपका कि ये पार्टनर आपके पास नहीं है, नेगेटिव हो रहे हो. अ चेंज फॉर द बेटर. तो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये, अ चेंज फॉर द बेटर. तो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में. स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म. तो एंजल्स आपके साथ हैं, स्पिरिट्स आपके साथ हैं, गाइड कर रहे हैं वो आपको. वी हैव लव. तो सी, लव तो ये पार्टनर आपसे करते ही हैं, लव में तो कोई कमी नहीं है. ओके, एंड डेफिनेटली ये पार्टनर आपके लिए बहुत जल्द मुझे एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं. ओके गाइज, सो ये है आपकी रीडिंग. सब्सक्राइब टू माई न्यू चैनल ऑल्सो गाइज, एंड टेक केयर. थैंक यू.